नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। मैं के सिद्धार्थ आज फिर मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। आज मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, और सवाल बहुत गंभीर सवाल हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हर सवाल का मुझे कमेंट करके जवाब ज़रूर दें। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों के कमेंट हर वीडियो पर भर भर के कमेंट आते हैं, भर भर के आप लोग हर वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन आज कुछ मतलब अलग ही तरह के मुद्दों पर मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी जो निरंतर लगातार चल रहे हैं अपनी मुंबई की ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ कर के, निरंतर समाज के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सभी लोगों से गांव-गांव में जा कर के, गली मोहल्लों में जा कर के मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, यानी समाज को निरंतर जगाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि निषाद समाज मुकेश सहनी के निरंतर काम करने से जागेगा और जा कर के अपने हक और अधिकार के लिए मुकेश सहनी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा या नहीं होगा? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है। दूसरा जो सबसे गंभीर बात है कि क्या अगर निषाद समाज जाग जाता है, और जाग भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मुकेश सहनी की मेहनत जो है वो आया जाया या बेकार जा रही है, ऐसा नहीं है। जो लोग जाग रहे हैं तो उनके जागने से निषाद समाज मजबूत हो रहा है, तो मजबूत होने की वजह से भाजपा के अंदर जो घबराहट है क्या वो निरंतर बनी रहेगी? साथियों, भाजपा के अंदर निरंतर घबराहट देखने को मिल रही है। अगर घबराहट नहीं होती तो पार्टी को नहीं तोड़ा जाता, विधायकों को नहीं अपने में विलय किया जाता, और मंत्री पद से मुकेश सहनी को बर्खास्त नहीं किया जाता। आप लोगों को क्या लगता है, घबराहट है? या और ज़्यादा मजबूत होगा तो हो सकता है घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाए। और अभी मुकेश सहनी जी ने कहा है कि वो पूरे दमखम से, पूरी ताकत से, मेहनत से जो है पूरे बिहार में, झारखंड में, यूपी में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाले हैं, इसमें निषाद समाज को, वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी को, समस्त कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्या रणनीति बना करके लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और क्या रूपरेखा रहे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करिए। ये आपके साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए अति पिछड़े के जो भी लोग हैं उनके मान सम्मान, अधिकारों की, न्याय की बातें हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या लगता है कि अब लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाए, और क्या भाजपा को आने वाले लोकसभा में हरा पाएंगे हम बिहार, झारखंड या इधर यूपी, उत्तर प्रदेश, अभी 3-4 स्टेट की बात करते हैं। अगर मुख्य प्योरिटी में देखा जाए तो फिलहाल ज़्यादातर पार्टी का जो फोकस है वो बिहार के ऊपर है, तो बिहार में लोकसभा के चुनाव को किस तरह से मजबूती से लड़ा जाए, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निषाद समाज जो है, मुकेश सहनी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं जगाने का, ये जागेगा या नहीं जागेगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और निरंतर घबराहट बीजेपी की बनी रहेगी, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए जोश के साथ, और यही मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग यार चैनल को देखते हो, प्यार करते हो, मतलब यार क्या कहूँ आप लोगों के बारे में, भर भर के आप लोगों का प्यार चैनल के माध्यम से मिल रहा है, और आप कोई सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप फैमिली हैं, परिवार के हिस्सा हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को ज़रूर करना है। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब इसको कर लें, और जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग भी सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए।